इक्की कम इक्की पाई दी मर गई निक्की इक्की दूना बयाली पाई दी मर गई साली नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग के अंदर। मेरा नाम है निष्काम भाटिया एंड आई होप आपको पुरानी वीडियोस जो है पसंद आ रही होगी DJI पॉकेट 2 के साथ में। सुबह के इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और बाकी दिनों की तरह आज भी मैं साइकिलिंग पे नहीं गया हूँ, 2-3 दिन से नहीं जा रहा हूँ। शाम को कल गया था, रीज़न वही सेम गर्मी। आप मानोगे नहीं, गूगल पे 7 दिन का फोरकास्ट सिर्फ और सिर्फ थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है, 40-60% चांसेस बारिश के। न्यूज़पेपर्स में आ चुका है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है हमारे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नाश्ता बन चुका है, परांठे हैं दाल के गर्मा गर्म, क्या बात है। ये बाहर क्यों रख दिया है? ये मेरे लिए। तो फिलहाल अभी नाश्ता करते हैं, दाल के परांठे, और जो मम्मी ने आम का अचार बनाया था वो भी रेडी हो चुका है और बहुत टेस्टी बना, कल रात को मैंने खाया था रोटी के साथ। नाश्ता करके फिर आज के दिन की शुरुआत करेंगे काम के साथ में। तो मैं ब्रेकफास्ट करके अभी काम करने बैठा ही था कि लाइट चली गई, और जैसे ही PC बंद किया फिर से लाइट आ गई। अभी खेल चल रहा है भाई, खेल चल रहा है कसम से। अब नहीं चालू करूँगा क्योंकि मुझे अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पहले मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके बाद एक बार PC चालू करके आराम से बैठेंगे काम करने के लिए। भाई कितनी तेज हवा चल रही है, और जिस हिसाब की हवा है ना, सारे बादल उड़ा के ले जाएगी। सिर्फ तेज हवाएं चलेगी और बादल उड़ जाएंगे, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही, पर बादल वैसे हैं तो चारों तरफ, यहाँ पर भी है पीछे की तरफ, लेकिन इस तरफ वाले थोड़े ज़्यादा घने हैं। बट फिलहाल नीचे चलता हूँ मैं, पापा आ गए हैं, लंच का टाइम है, लंच करेंगे। घी की सब्जी बनी है, साथ में बने हैं चावल आज, और ये छाछ लेके आए थे पापा, साथ में सलाद कट रहा है। तो गाइस मैं अभी लंच करता हूँ और उसके बाद में रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, और जल्दी उठने का प्लान है आज तो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक लेट हो जाता है सोते सोते, 6 बज जाते हैं कभी कभी, तो इतनी नींद आती है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि लस्सी जो होती है गाँव की, उसमें कुछ चीज़ ऐसी है जो सुला देती है हम सबको। जस्ट वोक अप और बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, देखो हम कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। मौसम बारिश वाला था, बारिश नहीं भी हुई, हवा ही चल रही है, तो इसमें संतुष्ट है भाई, एटलीस्ट गर्मी तो नहीं लग रही उमस वाली। मी तपिया नहीं आज, फिर आसपास वाले इलाकों में हो रही है बारिश, अपने यहाँ हो नहीं रही है। अपने हमेशा ही ऐसे होता है, और जब सीजन चला जाएगा ना फिर बरसेगा ही, अगस्त के एंड तक ना, जब जरूरत नहीं होगी तब बारिश आएगी। लो मम्मी ने हुन करनी है जसूसी, इत्थे बह के रोड दी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंदी हुंदी ना ते हुन तक मैं किचन विच ना उड़ी, केड़ी जनानी ने केड़ा सूट पाया है आज तक, तो मैंने देखे जसूसी करते, की पता बंदे ते जाग जान की जसूस वाले इंस्टिंक्ट। पापा का स्टाइल देख, पीछे पॉकेट का दिखाना, ये क्या है? ये दोगे तो ही रख दिए, ये देखो पर्दा था ऊपर पड़ा हुआ, पर्दा ही बिछा लिया हमने। देखो जी बुड्ढे आदमी ना ही साहब हुंदा है, और मैं किथे बावा, गोदी टूट जानी, मंजी भी टूटनी नाले। ओ कोई बात बड़ी, मंजी ना तोड़ी लो भी, बाड़िया परिवार ऊपर बैठ गया ठंडी हवा खाने के लिए, लेकिन ठंडी हवा भी रुक गई है। मैं तो सफेद बाल बहुत आ गए, कुछ लगाना शुरू कर, जैसे कि आज मैंने देखा था जो प्याज के छिलके होते हैं ना पतले वाले, उन छिलकों को ऐसे कढ़ाई में डाल लो और उसको ऐसे अच्छे से गर्म करते रहो, वो काले हो जाएंगे बिल्कुल, उतार के उसको ऐसे पाउडर बना लो उसका। अच्छा जी, पाउडर बना लिया तो उसके अंदर क्या डाला था, नारियल का तेल। अच्छा जी, वो मिक्स कर दो तो वो एक डाई की तरह हो जाएगा, पेस्ट सी बच्चे, वो बालों पे लगा लो, फिर उससे नेचुरल कलर आ जाएगा और बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और बाल भी काले हो जाएंगे।
पर मैनू ते चिट्टे चंगे लगदे बाल, पर मैनू नहीं अच्छे लग रहे। तुसी काला चश्मा पा लो तू भी काला लगेगा करके जुआ देखते होंगे पर मेरे नहीं है जुआ आजकल किसी भी नहीं होंगे पहले आह पापा अपना फोन देखने लगे हैं एज यूजुअल नहीं फिर फायदा क्या है देख रहे हो खौफ देख रहे हो खौफ देख रहे हो किसका खौफ मेरा और क्या आंखें देख पहले मेरे को डरा रहे हैं दीवाल तेरे मम्मी को लो सीख ले कुछ भी लाई करके तू नहीं मुंडिया अगे अगे नहीं आना कुछ हाल वे बोर कर रहे आप सुना दो कोई गाना इक्की कम इक्की पाई दी मर गई निक्की इक्की तू नब्याली पाई दी मर गई साली इक्की तिया त्रेठ पाई दा मर गया जेठ इक्की चौका 105 पाई दी मर गई सारी जान पास पांच तक पढ़े आने इक्की दा मस्ती भी होंगी पाई दी आगे इक्की चिक्का पाई दी मस्ती भी होंगी है इक्की चौका 84 बोले नहीं अपन जंज मतलब टब्बर सारा फिर क्या होता है जंज होता है बराती जेड़े होंगे ब्याज जाते हैं सारी चलेगी पापा क्या कर दिया मैथ्स ने पहले ऐसे पढ़ाते थे पहाड़े ना बड़े बेकार तरीके से पहाड़े पढ़ा होता पहले अपन देख ले पांच तक तो याद ही है इक्की पंजा इक्की छीका पूछ ले कोई तो वो रट्टा नहीं मारा ना आगे इक्की छीका 126 आगे बोलो की बोला मैंने यहाँ टोट के नहीं आते अच्छा इक्की का पहाड़ा याद है आगे सुनाओ इक्की सत्ता 147 इक्की अट्ठा 168 मैथ्स के टीचर से गलत बोल रहे हो आप कैलकुलेट करो खोल के 168 189 ये तो आज के बच्चों की तरह बोल दिया आपने लो जी ऊपर आके बैठे हैं तो हवा भी रुक गई है हाँ तू आ जा टटीरी आ गई टटीरी वो उसके पीछे वो पड़ी हुई है देखो इसलिए बोल रही है हाँ तो भाई ऊपर गर्मी जो है फिर से भयंकर तरीके से हो गई है अगेन नो बारिश आज भी नहीं आई है 7:15 हो रहे हैं इस वक्त और मैं बैठा हूँ अभी काम करने के लिए अपनी सेकंड शिफ्ट पे शाम को सीधा रात को मिलते हैं अब तो गाइस मैं 2 दिन से आपको कह रहा था ना कि मेरी जो वीडियो रेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा लेट निकल रहा है आज मुझे पता चला कि मेरे साथ एक्चुअल में स्कैम हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर रुको मैं आपको दिखाता हूँ सो दिस इज़ माई नॉर्मल वीडियो ये मैंने एडिट कर दी सब रेंडरिंग निकाली तो धीरे निकल रही थी तो मैंने सोचा एक बार इसकी सेटिंग चेक करते हैं जाके मैं गया प्रेफरेंस के अंदर आई होप ये दिख रहा हो रुको मैं इसको थोड़ा सा हाँ अब ये बेटर दिख रहा होगा तो मैं गया प्रेफरेंस के अंदर देन उसके बाद मैं यहाँ पे गया जनरल के अंदर फिर मैं गया मीडिया के अंदर और यहाँ पर ना ये देखो 8264 हार्डवेयर एक्सेलेरेटर एंड डिकोडिंग ये हो रखी थी बंद जो कि मेरा GPU यूज़ करती है ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ करती है तो इसको मैंने अभी किया चालू उसके बाद में एक और दिक्कत थी यहाँ पे जो मेमोरी है प्रीमियर को दे रखी थी मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 GB तो अभी इसको मैंने 12 GB कर दिया अदर ऐप्स के लिए 4 GB कर दिया इसको ओके कर दिया और अब मैंने सेम रिजल्ट्स निकाले हैं सेम वीडियो आउटपुट सेम लेंथ का सब कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल के जहाँ पर कल 6 घंटे लग रहे थे अब सेम चीज़ को मुझे सिर्फ 17 मिनट लगे 17 मिनट के अंदर अंदर पूरी वीडियो मेरी रेंडर निकल चुकी है और इफेक्ट्स इसमें थोड़े से हैवी थे थोड़े डिनोइस वगैरह मैंने करी थी इसके अंदर मैं पागलों की तरह लगा हुआ हूँ तब से मैं कभी कैमरे की फ्रेम रेट चेंज कर रहा हूँ कभी मैं छोटा कर रहा हूँ अपना सीक्वेंस को कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ लेकिन यही होता है भाई जब आप ध्यान नहीं देते तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 9:30 और डिनर लग चुका है यहाँ पे आज सांभर वाली दाल बनाई है कौन सी सांभर वाली ना दालें अरहर की दाल सिंपल बना के उसमें इमली डाली है बस इमली डाली है मतलब सांभर में सब्जी डलती है इसमें सब्जी नहीं डली बस तो गाइस मैं डिनर करता हूँ और आज के व्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं आपका यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कल आपके सामने फिर मिलूंगा इसी तरह के व्लॉग के साथ में मेरा नाम निष्काम भाटिया तब तक के लिए नमस्कार